फरहान अख्तर इंग्लैंड में क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे। बकिंगहम पैलेस के पास लंदन मॉल में विश्व कप का उद्घाटन समारोह हुआ था। भारत की ओर से पूर्व गेंदबाज और कोच अनिल कुंबले और अभिनेता फरहान अख्तर ने इस इवेंट में शिरकत की थी। इस दौरान फरहान ने विश्व कप 2019 के बारे में बात की। फरहान ने बताया, जाहिर है मैं विश्व कप 2019 में टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर बात अपने फेवरेट क्रिकेटर की करूं, तो मेरे हिसाब से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारत के लिए जरूरी खिलाड़ी होने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में कमाल का प्रदर्शन किया है। मैं उन्हें इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते देखना चाहता हूँ। गौरतलब है कि फुटबॉल के UEFA चैंपियंस लीग के लिए भी फरहान आधिकारिक गेस्ट के तौर पर मैड्रिड गए थे। फरहान के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी भी वहां पहुंची थीं। फरहान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें वो और शिबानी UEFA चैंपियंस लीग की ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे थे। फरहान अख्तर और शिबानी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट हीरोज के इवेंट को होस्ट किया था। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो फरहान ने फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग को खत्म किया है। इस फिल्म में फरहान के साथ प्रियंका चोपड़ा और जायरा वसीम जैसे सितारे नजर आएंगे। इस फिल्म को सोनाली बोस ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इंग्लैंड एंड वेल्स में क्रिकेट का 12वां वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। हाल ही में रणवीर सिंह भी कई बॉलीवुड सितारों के साथ इंग्लैंड अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना हुए हैं। रणवीर यहां कबीर खान की फिल्म 83 की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। वहीं टीम इंडिया भी अपना पहला मैच 5 जून को खेलने जा रही है। इसी दिन सलमान खान की फिल्म भारत भी रिलीज होने जा रही है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।